होगा, इसका मतलब उन दोनों में कोई भी अवयव समान नहीं आएगा। इन दोनों में कोई भी अवयव समान नहीं, इसमें ई समान था, इसमें चार समान था, लेकिन इसमें कोई भी अवयव समान नहीं है, अतः ये क्या बन गया, असंयुक्त है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। सी ये रस्सी, मैंने ए में से सी घटाया। अब देखो
एक ही अभिन्न जो बचेंगे वही उत्तर होगा। सी से हमें कोई लेना देना नहीं, घट जाएगा तो बढ़ जाएगा। अब देखो छह ये गया, छह गया, कौन जाएगा बारह, बारह गया, फिर सी में सोलह तक किया, ठीक है। अब कौन बचा ए में, इतनी जाए के बाद कोई नहीं जा रहा, देखो पंद्रह नहीं है उसमें, अठारह भी नहीं है उसमें, इक्कीस भी नहीं, तो यहाँ ए में कौन बचेगा, तीन नौ पंद्रह अठारह इक्कीस, हमें सी से कोई लेना देना नहीं, ए में से सी जो चला गया वो चला गया, और बाकी जो अभी जो पहला वाला है ना उसके जो अभी बचेंगे वो इसका उत्तर होगा, ए में से अभी बचेंगे वो इसका उत्तर होगा। आगे ए में से डी बताना, ए में से डी बताया, इसका मतलब पहले किसको लिखूंगी, ए को तीन छ नौ बारह पंद्रह अठारह इक्कीस, मैं से किसको बताना है, डी को, ये रहा पांच दस पंद्रह बीस बटाए। अब देखे पंद्रह गया, पंद्रह गया, बाकी कोई नहीं जा रहा है, इसका मतलब कौन बचेगा, ए वाले जितने घटने के बाद बचे हैं वही आएंगे, तीन छ नौ बारह अठारह इक्कीस, किसके बच्चे, जो पहला लिखा है समूचे उसके जो अभी बचेंगे वही उत्तर होगा, पीछे वाले से हमें कोई लेना देना नहीं, जो आगे बढ़े हुए बच्चे के कटने के बाद जो अभी बचते हैं वो इसका उत्तर होगा। ये आ गया ए माइनस बी तक आ गया। अब देखिए कह रहा है बी माइनस ए, इसलिए क्या कह रहा है बी माइनस ए, चार आठ बारह सोलह बीस माइनस ए, ए कौन है तीन छ नौ बारह पंद्रह अठारह इक्कीस, लिख दिए बी में से ए बना। अब देखें यहाँ कौन चार उसमें नहीं है, आठ भी नहीं है, बारह बाकी कोई भी नहीं है, तो कौन बचेंगे ये वाले बी वाले, चार आठ सोलह बीस, ये होगा इसका बी माइनस, जो पहला समूचे ले रखा है जिस जो अभी बचेंगे वो पहले वाले के बचेंगे और वही उसका उत्तर होगा, हमें बी से कोई ए से कोई लेना देना नहीं है, ये हो गया बी माइनस ए। अब सी माइनस ए, सी माइनस ए पहले किसको लिखूंगी, सी को, सी क्या है दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह, लिख दिया सी, सी में से किसको घटाना है एक, एक कौन है तीन छ नौ बारह पंद्रह अठारह इक्कीस, यही है कि कौन गया छ गया, फिर कौन गया बारह गया, बचेंगे कौन सी वन, कौन बचेंगे सी वन, जो पहला है उसी के बचाने हैं वही लिखने उत्तर होंगे, दो चार आठ दस चौदह सोलह, ये आपका सी माइनस ए। अब देखे हैं डी माइनस ए, अगला है डी माइनस ए, डी कौन है पाँच दस पंद्रह बीस, पाँच दस पंद्रह बीस माइनस ए, ए कौन है तीन छ नौ बारह पंद्रह अठारह इक्कीस, कौन कौन जाएगा सिर्फ पंद्रह जाएगा, कौन जाएगा पंद्रह, कौन बचे बी वाले पाँच दस बीस, कौन बचे पाँच दस बीस, ये आ गया आपका डी माइनस। अब देखिए कह रहा है बी माइनस सी, क्या कह रहा है मैं देखिए अगला कह रहा है b माइनस सी, क्या कह रहा है b माइनस सी, b लिख दिया मैं से c घटाया, c घटा क्या है दो चार छ आठ, दो चार छ आठ दस
16, बाकी आप स्वयं करें, बाकी वाले आप स्वयं करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपका, यदि यदि x बराबर a कॉमा b कॉमा c कॉमा d और y बराबर f b d g हो तो पहला भाग निकालना है x माइनस y, दूसरा भाग निकालना है y माइनस x और तीसरा भाग निकालना है x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y। देखिए पहला कह रहा है x माइनस y, इसका मतलब पहले किसको लिखेंगे x को, x क्या है a कॉमा b कॉमा c कॉमा d, माइनस कौन है y, कौन है f b d g, लिख दिया हमने x माइनस y। देखिए कौन a नहीं जा रहा, b गया और कौन गया d गया, बचा कौन a c a c, इसका सेकंड पार्ट है y माइनस x, y कौन है f b d g माइनस x a कॉमा b कॉमा c कॉमा d, कौन गया b गया, कौन गया d गया, तो बचा कौन f g, क्या मिला f कॉमा g। अब हमें क्या चाहिए इंटरसेक्शन, x इंटरसेक्शन y, x क्या है a कॉमा b कॉमा c कॉमा d, इंटरसेक्शन क्या है f b d g, f कॉमा b कॉमा d कॉमा g, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब हमने बताया था क्या होता है कॉमन, क्या होता है कॉमन कॉमन। अब देखें a उसमें है ही, कौन आ रहा है b कॉमन आ रहा है, फिर कॉमन कौन आ रहा है b कॉमन आ रहा है, इधर c नहीं है तो f इधर नहीं है और g भी इधर नहीं है, तो इंटरसेक्शन कौन आएगा b कॉमा d, तो x इंटरसेक्शन y का रिजल्ट आएगा b कॉमा d। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है यदि r वास्तविक संख्या है, r वास्तविक संख्या है और q परिमेय संख्या है, q परिमेय संख्या है तो कह रहा है कि r वास्तविक संख्या है और q परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या है। अब आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में कि पूर्ण
है वाचस्पति हो गया। सम और विषम को भी अपन क्या कह सकते हैं, परिमेय। भाई जैसे मैंने लिखा सम संख्या दो, दो बटा एक, क्या ये परिमेय नहीं है? है, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं, पी बटा क्यू। अगर विषम संख्या मैंने लिखा माइनस तीन, माइनस तीन ये भी विषम संख्या, क्या मैं माइनस तीन बटा एक नहीं लिख सकती? माइनस तीन में एक अपवाद दिया, उत्तर कितना है माइनस तीन, तो ये संख्या क्या बन गई, पी बटा क्यू। इसका मतलब सम संख्या भी परिमेय है, विषम भी परिमेय है, प्राकृत भी परिमेय है, पूर्ण भी परिमेय है, पूर्णांक भी परिमेय और परिमेय वाली परिमेय है। अब क्या कह रहा है, वास्तविक संख्या में से परिमेय घटो, इसका मतलब क्या घटा रहे हैं अपन, ये सारा है, ये सभी घटा रहे हैं, क्या घटा रहे हैं, वास्तविक संख्या में से ये सभी घटा रहे हैं। इसका मतलब बचेगा कौन, कौन बचेगा, अंडर रूट वाली संख्या, क्या बचेगी, अंडर रूट वाली संख्या है। इसमें क्या आएगा, अपरिमेय संख्या, क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या में से परिमेय संख्या घटाओगे तो क्या बचेगी, अपरिमेय संख्या। यह है क्वेश्चन नंबर आपका 11। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा आपका कि निम्नलिखित में से सत्य है या असत्य, आपको सत्य असत्य का उत्तर देना है, सत्य असत्य, कौन सा क्वेश्चन सत्य है और कौन सा क्वेश्चन असत्य है। क्या कह रहा है, इसका पहला भाग आपका दे रखा है दो तीन चार पांच, समुच्चय एक दे रखा है, समुच्चय बी दे रखा है तीन और छह, तीन कौमा छह, ये क्या कह रहा है, असंयुक्त समुच्चय है, असंयुक्त समुच्चय है, असंयुक्त समुच्चय क्या होता है, दोनों में एक भी चीज कॉमन नहीं आनी चाहिए। असंयुक्त का मतलब क्या होता है, असंयुक्त का मतलब होता है कि दोनों समुच्चयों में एक ही अवयव समान नहीं है, क्या होता है, दोनों समुच्चयों में कोई अवयव समान ना होना, कोई अवयव समान नहीं होना, समान नहीं होना क्या कहलाता है, असंयुक्त। अब देखो इसे दो दो नहीं है, तीन है, कौन सा अवयव आ रहा है, तीन, कौन सा आ रहा है, तीन समान आ रहा है, तो ये कह रहा है असंयुक्त समुच्चय है नहीं, असंयुक्त होता तो कोई भी समान अवयव समान नहीं होगा, असंयुक्त होगा तो समान नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या रहा है, समान, तो असंयुक्त समुच्चय है नहीं,